हेलो दोस्तों, तार्किक ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? एड्स के इलाज में, कैंसर के इलाज में, टीबी के इलाज में, कोविड-19? तो सही विकल्प यहां पर बनता है कैंसर के इलाज में जो है केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहा जाता है? ये एक रोग है, ये किसे कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि दोष को, समान दृष्टि दोष को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है दूर दृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, इनको सन 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किस विषय के लिए दिया गया था? भौतिक शास्त्र के लिए, रसायन शास्त्र के लिए, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया था। रमन प्रभाव जो है इसकी खोज इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इनमें से सभी होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, 5 नंबर, किस प्रक्रिया के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश का परावर्तन के कारण, या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, या फिर प्रकाश का विवर्तन? सही विकल्प है यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बहुत ही नीला आकाश दिखाई देता है। दिन में आपने देखा होगा ना। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें से उत्पन्न होती है मीथेन गैस, जिसे CH4 भी कहीं कहीं लिख के देते हैं, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, या फिर जे थॉमसन के द्वारा, या इनमें से सभी ने की थी इसकी खोज? सही विकल्प है जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज के बारे में पूछ लेता है। इसके लिए एक ट्रिक है, ईट पर नाच। अब देखिए यहाँ पर इससे मिलाएंगे ई की जो है ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, या थॉमसन इंग्लिश में लिखेंगे थॉमसन, टी से तो शुरू होगा, तो ईट हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। अब प्रोटॉन की खोज, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, तो पर से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज एन ना से हो जाएगी, और चा से चैडविक, जेम्स चैडविक जी ने की थी। तो यहाँ पर सही विकल्प तो हमारा पता ही चल गया है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? अग्नेय या चट्टान कौन सी है? अग्नेय, अवसादी, या कायांतरित, या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है यहाँ पर अग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, 9 नंबर, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? जो शोर या ध्वनि होती है उसका मात्रा क्या डेसिबल होता है? सॉरी, यहाँ पर डेसिमल नहीं, डेसिबल है, सब में माँ की जगह बा होगा। तो कितने डेसिबल जो है जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो कितना शोर होता है? तो इसमें सही विकल्प है 0.5 डेसिबल का शोर होता है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत है? 12% है, 22% है, 33% है, या फिर 21% है? तो लगभग 21% इसका सही विकल्प होगा। ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में 21% पाई जाती है। 78% आपको पता होगा लगभग नाइट्रोजन रहती है, बाकी जो 1% बचता है उसमें और सारी गैसेस रहती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और वाटर वेपर है, ये सब रहते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।